हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है संडे का दिन और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आलस 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 फैलाया जा रहा है घर में। एक्चुअली मम्मी पापा मनु सब आए हुए हैं। मम्मी पापा मतलब मेरे इन लॉज जयपुर से आए हुए हैं, ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, तो केशू सबके साथ बिजी है। तो बस हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। और ये देखो, ये पापा नहा के आ चुके हैं। पापा वीडियो किससे बात कर रहे हो? आपसे। पापा यार किससे बात कर रहे हो? मीट द हैंडसम बॉय मनु, मनु एंड केशु। इसको देखने के टिकट लगते हैं एक्चुअली। इसने कहा फ्री में मुझे मत दिखाओ। ए मनु, ए मनु, ए मनु, ऐसे कह रहे थे तो कभी मेरे व्लॉग्स में आया नहीं, आया बड़ा बेटा से खा मत देना, वो क्ले है। हाँ ना है तो बस अभी एक्चुअली 12 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा, हमारा प्लान था कि दिल्ली जू चलते हैं। कार्तिक तुम मुझ पर क्यों टकरा रहे हो? दिल्ली जू जाएंगे, लेकिन हमें पता चला कि जू तो अभी खुला ही नहीं है, 1 मार्च से ओपन होगा तो हम जू नहीं जा सकते। तो जस्ट थिंकिंग कि हम खाना वाना खा के थोड़ा निकल जाएंगे। एक प्लेस है पार्टी जंपर्स करके, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा प्ले करने का, एंड वहीं पे ना पास में मतलब बराबर में ना कैफेटेरिया बना हुआ है, तो पेरेंट्स कैन हैव देयर कॉफ़ी एंड स्नैक्स एंड बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो एरिया अच्छा लगता है। तो वहाँ अपना जाएंगे, थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। और तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे बालों की हालत बहुत गंदी, बालों की हालत हो रही है। तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ और फिर खाना वाना खा के हम लोग निकलेंगे। चिपक गई वो, चिपक चिपक चिपक, मैं देखती हूँ उसको। क्यों, उसकी मम्मी है वो। मैं देखो देखो देखो, चाचू कैसे चिपक रहे, देखो चाचू मम्मी से कैसे चिपक रहे। क्यों, से तेरी दादी है, उसकी मम्मी है। अच्छा सर, पापा से चिपक, पापा से। हेलो, हाँ। और ये जो हमें दुखी करता है, जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ लिप बाम लगाया, लिप एंड चीक टिंट कराया लगाया है, क्योंकि कुछ करने का मन नहीं करा। तो बस फटाफट सब निकलते हैं, सब लोग रेडी बैठे हैं और बहू रानी का हो रहा है इंतज़ार। बहू रानी अपनी ऐनक तो साफ कर ले। हाँ बेटा, क्या खींचूँ? आपको क्या चाहिए ये बताओ, आपको क्या चाहिए? आप इतने खुश क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पार्टी जंपर में क्या करेंगे? कौन मिलेगा वहाँ, कौन मिलेगा? मनु कैसा लग रहा है? क्या? जाना। आप क्यों नहीं छुपा रहा तू मुँह? पहले तो बहुत मुँह छुपा रहा था, शरीर तो ना छुप रहा है। माँ माँ शरीर में छुपा भी नहीं रहता है। आई एम हॉट। नो, तो आई एम फैट। जीरो जीरो यार, बहुत हिचकी आ रही है मुझे। तुझे याद कर रहा है भाई, उसे पतला होने दो यार, तुम कैसे चॉकलेट दे दो, उसने भी ले ली। मीठा भी हिचकी आ रही है, खा ले चॉकलेट खा ले। देखो आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं जीवन साथी से। आज शादी, तेरी शादी का मोटिव बस मेरा यही है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बाकी मुझे कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब सब ये है कि तेरी शादी में सब कुछ, एवरीवन शुड एंजॉय। हाँ ये भी, मनु मैंने कहा तेरे को तैयार कर देंगे हम, तो कह रहे किसी को बुला लेंगे ना तैयार करने के लिए। मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव सिग्नल देखा आपने, चाह रहा है कोई मुझे दे। तो मैंने कहा कि तूने अपने बात की, भाभी की बात करी कि भाभी कैसे तैयार होंगी, तो कह रहा आप तो तैयार आ ही जाएंगे, मैं ऐसे कैसे आ जाएंगे। मैंने कहा मेरी एक ही मोटिव है तेरी शादी का, कि एवरी वन शुड इंक्वायर अबाउट मी, हु इज शी, लड़के की भाभी बड़ी सुंदर है। ये पॉइंट, मैं कहा ये 3 लाइन सुननी है मुझे बस, उसके बाद तेरी शादी में तो कुछ भी हो चुका है, बस मेरी ये 3 लाइन होंगे, मैं घर चली जाऊंगी सुन के। मेरा निवास दादी के चरणों में है, दादी दादू के चरणों में रहूंगा मैं। देखना कैसे बैठा है वास्तव में। घुटने दर्द है स्टेज से आना।
कुछ तोड़ के आएगा उधर जाके। केशु वहां पिजन बैठे, नहीं लात नहीं मारते बेटा, बैड हैबिट। केशु चलो फिर घर चलते, घर चल। नहीं बेटा गलत बात, ऐसे नहीं। केशु बस स्टॉप इट, आप इधर से आ जाओ, देख ये स्टॉप इट। हाँ हाँ वो बड़ा तुझसे खुल रहा है। हाँ 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 कुछ तुम कह कर डालू मैं यहाँ पे। हाँ हाँ नहीं नो नो केशु नो, अरे केशु केशु मैं बुलाऊं पापा को अभी। केशु केशु देखो फिर आपको बाहर निकाल देंगे वो यहाँ से, आपको बाहर निकाल देंगे यहाँ से। हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ रोलो 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 बेटा वहाँ पे ना, सुनो मेरी बात, लिसन टू मी, वहाँ चोटू लग जाएगी बहुत ज्यादा। चढ़ोगे ना तो आपके यहाँ पे लगी थी ना चिन पे, फिर डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे। ये निकलेगा तो नहीं इसमें से लेंस? नहीं, नहीं निकल भी सकता है तो फिर बिना कलावा के भी केयरफुली और अब भी केयरफुली फर्क क्या है? थोड़ा कम केयरफुली है। केशु मारे तो बचेगा? नहीं बचेगा। अब केशु को अपन तू रखना ही मत ना। तो हम आ गए दिल्ली हार्ट और केशु की नोज ब्लॉक हो गई है, उसे कोल्ड हो रहा है तो अभी उसको डाल रहे हैं। हाँ मेरा बच्चा बस बस अभी मैं अच्छा गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। मम्मी ये देखो चिकन के बस के इनर लगेगा, लेकिन इनर लगेगा इनके साथ दिखाने के लिए। फैब्रिक तो अच्छा है, फैब्रिक तो अच्छा है। किसको अब वो किनर किस किस हिसाब से दिया आपने? 150 रुपए। 150 या 200? 150। आपने बोला 200 था एक्चुअली, मम्मी ने 300 बोला था। मैंने बेवकूफी की थी, 200 मम्मी बोले, 300 का लगा तो हाँ मुझे भी अब ये लग रहा है कि मैं 1000 का बोलती। बजाओ दीदी, कैसे बजा रही है? मुझे बजाना ही नहीं आ रहा। घर हम वापस आ गए और वापस आके कुछ मैंने अपने लिए ये देखो ये ना ऐसे चिकन का मैंने कुर्ता लिया था, इसको ट्राई करके देखा था जो कि एब्सोल्युटली ठीक आया है। और या और अभी आप चश्मा देख सकते हो। किशो व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है बेटा? बेटा आप सो जाओ, बहुत हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नो। फिर कल हरमीत मैम को मैं शिकायत कर दूंगी आपकी, शिकायत कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं 3 दिन में मेरा तीसरा चश्मा है जो कि बहुत ही वाहियात लग रहा है। ठीक है कर दूंगी। तो हाँ मैं ये बोल रही थी कि तीसरा चश्मा है 3 दिन में, क्योंकि एक टूट चुका है उसको तो लेंस ही रिप्लेस होगा, एक का वो लेंस निकल जा रहा है क्योंकि उसका से पेच निकल गया। ये तीसरा मेरे पास रखा होता जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इट डजंट लुक गुड ऑन मी, बट क्या करें अभी मरता क्या ना करता, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे दिखाई देता नहीं है। तो इतना है कि कार्तिक अभी कुछ उसका टेम्प्रेरी जुगाड़ कर रहा है कि मैं एटलीस्ट जिम तो ये पहन के ना जाऊँ, नहीं तो मेरी खिल्लियाँ उड़ जाएंगी, लोग हंस पड़ेंगे मुझे देख के, क्योंकि मुझे राइट नो खुद को देख के बहुत हंसी आ रही है। तो ये चश्मा मेरे कल ठीक हो जाएगा तो फिर ये हट जाएगा, मैं नॉर्मल चश्मे पे आ जाऊँगी। तो हाँ बस अब इतना ही है, आप सोएंगे यार क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पता नहीं इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई पड़ी, ये सोया नहीं है पूरे दिन बिल्कुल भी, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, इसको भी मैं सुनाऊँगी दूध वूध दे के। तो चलो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रखिए। और इतना ज्ञान की बांट रही हूँ मैं, बस पॉइंट सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब।